2024 की चुनावी लड़ाई के लिए तिलेबंदी शुरू हो गई है, जिसकी सुगबुगाहट अब सबसे बड़े सूबे में भी दिखाई और सुनाई देने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी मंथन ही चल रहा है कि अखिलेश ने अपनी चाल चल दी है। शायद अखिलेश को यह एहसास हो गया है कि 5 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस थोड़ी नरम पड़ गई है, इसलिए मौका मुफीद है। खबर यह है कि करीब 1.5 दर्जन सीटों को लेकर सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची सामने आई है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला ही अभी तय नहीं हुआ है। कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच सपा ने अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम को आगे कर दिया है। सपा उम्मीदवारों की जो संभावित सूची सियासी गलियारों में चर्चा में है, उसके मुताबिक पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे। आजमगढ़ के किले को फतह करने रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव नजर आ सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घूसी संसदीय सीट से उतार सकती है। फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। इतना ही नहीं, कुछ और भी अहम सीटें और अहम चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ये उन सीटों से सपा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। जैसे मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 के चुनाव में मैदान में हो सकती हैं। फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अन्नू टंडन को सपा से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का टिकट भी पक्का है। एक बार फिर ये बता देना जरूरी है कि ये सभी संभावित उम्मीदवारों के नाम है। समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से अब तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है। गौरतलब है कि सपा की ओर से पहले भी ये कहा जाता रहा है कि करीब करीब हर सीट पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय हैं। अब संभावित सूची और सपा की वास्तविक सूची में कितनी समानता और कितनी असमानता होती है, ये सपा उम्मीदवारों के नाम के आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।